प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की किस्त की जारी 10 करोड़ किसानों के खातों में लगभग 20,000 करोड़ किया हस्तांतरित। अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए किसान परिवारों को दिए जा चुके हैं। मोदी 351 कृषक उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ का मोदी किसान सम्मान सम्मेलन 2000 का उद्घाटन करेंगे। किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को जारी करेंगे प्रधानमंत्री। 16,000 करोड़ की किस्त आज जारी की जाएगी। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके बड़े ही काम की है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए धनराशि किसानों के खाते में जारी किए जाते हैं और ये पैसे 3 महीने के अंतराल पर किसानों के खाते में जारी किए जाते हैं। आपको बता दें, अब तक किसानों के खाते में जो पैसे हैं 13 किस्त के पैसे जारी कर दिए गए हैं। वहीं अब किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जिनका इंतजार अब से कुछ ही देर बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त पीएम नरेंद्र मोदी जारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस बार करीब 8 करोड़ किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए धनराशि जारी किए जाएंगे। तो ऐसे में हम जानते हैं कि किन किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि का लाभ मिलेगा और किन किसान भाइयों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, जिन किसान भाइयों ने अपना EKYC का वेरिफिकेशन भूलेख सत्यापन का कार्य करवा रखा है, साथ ही आपने अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार अकाउंट से लिंक करवा रखे हैं, तो आपके खाते में निश्चित तौर पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी कर दी जाएगी। अगर यह धनराशि आपके खाते में नहीं प्राप्त होती है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1556 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।